हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज। तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ वीवो वी थर्टी का। ये भी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है और ये इंडिया में फर्स्ट फोन है जिसमें दिया है स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 3 और इसकी प्राइस है 33,000 रुपीज़। इस फोन को मैंने कुछ 3-4 दिन तक यूज़ किया है, तो आज मैं इसका एक इनडेप्थ रिव्यू करूँगा, बात करूँगा इसका डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊँगा जो इस फोन पर हाइप हुआ है वो इसके लायक है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Vivo V30 इंडिया में तीन वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 34,000 फॉर 8GB 128GB, 36,000 फॉर 8GB 256GB और 38,000 फॉर 12GB 256GB वेरिएंट। यह कोई कंपनी से आया हुआ रिव्यू यूनिट नहीं है, तो इसके सभी प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपको बताऊंगा। Vivo V30 रन कर रहा है Android 14 पर विथ लेटेस्ट फोन टच ओएस 14 और इसमें मोस्टली 3 मेजर अपडेट्स और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे, जो सिर्फ डिसेंट है क्योंकि इस रेंज के कुछ फोन्स 4 साल तक मेजर अपडेट्स दे रहे हैं। फंटा चॉइस 14 पर होने की वजह से इसमें काफी ज्यादा न्यू वॉलपेपर्स, न्यू विजेट्स और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, जैसे कलर पैलेट फॉर यूआई वाला ऑप्शन जिसमें पहले से ज्यादा कलर्स है, और साथ में वीवो का डेडिकेटेड थीम स्टोर है जिसमें काफी वेराइटीज है। ब्लोटवेयर जिसमें पहले से काफी कम है, जैसे अब हॉट एप्स, हॉट गेम्स कुछ नहीं है, बस वीवो के कुछ कंपनी के ही एप्स है जो एड्स देते रहते हैं। यूआई वैसे तो इसका काफी स्मूथ है, मोस्टली कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलता, बस कभी कभार माइनर फ्रेम ड्रॉप्स मिल जाते हैं कुछ जगहों पर फास्ट स्क्रॉल करने पर। ऐप्स अच्छे खासे फास्ट खुल जाते हैं इसमें, ऐप को टच करने और ओपन होने के बीच डिले नहीं रहता। बट इतने महंगे फोन में भी सिर्फ UFS 2.2 की स्टोरेज और LPDDR4X रैम है, UFS 3.1 देना चाहिए था। रैम मैनेजमेंट में भी इशू है क्योंकि मैंने सभी ऐप्स को पहले से खोल रखा था, बट ये फिर से रिफ्रेश हो रहे हैं और कभी कभार कुछ ऐप्स क्रैश भी हो जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है और मुझे 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है इस फोन पर विद नॉर्मल यूज लाइक फुल डे वाईफाई, व्हाट्सएप एंड ऑफलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग के साथ। ये 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और इसे फुल चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स लगते हैं, जो काफी क्विक है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.78 इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया है विद 1260x2800 पिक्सल्स एंड 453 पीपीआई डेंसिटी। ये HDR10+ और 1 बिलियन कलर्स कंप्लायंट है क्योंकि एक एमोलेड डिस्प्ले है, इसलिए कलर्स काफी वाइब्रेंट है। इसका डिस्प्ले ब्राइट और शार्प है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी काफी बढ़िया मिलता है। बाकी व्यूइंग एंगल्स भी इसके अच्छे हैं क्योंकि डिस्प्ले टिल्ट करने पर भी कलर्स या ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी इसकी डिसेंट है, डायरेक्शन लाइट के नीचे डिस्प्ले ठीक ठाक विजिबल रहता है 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस की वजह से, तो आपको भारी यूज करने में ज्यादा कोई इशू नहीं आएगा। डिजाइन की बात करेंगे तो फ्रंट में आपको 6.78 इंच का 1.5 के कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 89.9% क्योंकि कर्व्ड डिस्प्ले की वजह से साइड बेजल्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है और टॉप और बॉटम बेजल्स भी काफी कम है, और सेफ्टी के लिए इसमें स्कॉच सेंसेशन अल्फा ग्लास की प्रोटेक्शन है। साइड में एक कर्व्ड प्लास्टिक फ्रेम विद शाइनी फिनिश, बैक में भी ग्लास मिलता है जिसमें पीकॉक ग्रीन कलर में स्पार्कल इफेक्ट दिया गया है जो काफी अच्छा दिखता है। कैमरा मॉड्यूल काफी हद तक वीवो के पुराने वीवो V20, V21 जैसा है, स्क्वायर शेप में, और उसके नीचे है फ्लैश और इसके स्क्वायर ऑरा लाइट। बाकी IP54 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है, तो हल्के फुल्के वाटर ड्रॉप से कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ये तीन कलर्स में अवेलेबल है, क्लासिक ब्लैक, अंडमान ब्लू और पीकॉक ग्रीन। फोन में नीचे दिया है माइक, टाइप सी यूएसबी पोर्ट, सिम कार्ड स्लॉट और स्पीकर ग्रिल। इस फोन में ड्यूल 5G सिम का सपोर्ट है बट HD कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता। अपर साइड में है सेकेंडरी माइक और लिखा है प्रोफेशनल कैमरा। राइट साइड में है लॉक और वॉल्यूम बटन्स। बैक में मिलता है ड्यूल कैमरा सेटअप विद LED फ्लैश। फ्रंट में है पंचल सेल्फी कैमरा और ईयरपीस। फोन काफी बड़ा है इसलिए यूज करने के लिए दो हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। कर्व डिस्प्ले और कर्व फ्रेम की वजह से ग्रिप काफी अच्छा मिलता है। ये 2024 का अब तक का सबसे स्लिमेस्ट फोन है एट 7.45 mm और काफी हल्का भी है एट 186 grams, तो यूज करने में काफी लाइट वेट लगता है। सोशल मीडिया ऐप जैसे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम आराम से चल जाते हैं इसमें। फिल्टर्स वगैरह काफी फास्ट लोड हो जाते हैं और क्योंकि इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है तो स्नैपचैट पर इसका आउटपुट भी अच्छा है। इसी तरह इंस्टाग्राम भी स्मूथ है इस पर, और क्योंकि इसमें 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है इसलिए स्क्रोलिंग एंड स्वाइपिंग काफी तक स्मूथ रहता है। Vivo V30 में दिया है स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 3 चिपसेट विद एन ऑक्टोकोर प्रोसेसर एंड एड्रेनो 720 GPU। इसमें 8GB या 12GB वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन है। स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 3 अच्छा खासा पावरफुल मिड रेंजर चिपसेट है और इसके एंटीटू स्कोर्स अराउंड 7.8 लाख के आते हैं, जो इस प्राइस पॉइंट पर अच्छा है। और CPU के थ्रोटलिंग टेस्ट में ये बिल्कुल भी थ्रोटल नहीं करता क्योंकि स्कोर 95% का था, तो मतलब चिपसेट अच्छा खासा स्टेबल है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें आप हाई एंड गेम्स आराम से खेल सकते हैं हाई सेटिंग्स पर, लेकिन एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं रहती, FPS थोड़े और ज्यादा स्मूथ हो सकते थे। बैटरनर्स मोबाइल इंडिया या PUBG में स्मूथ चले के HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट मिलता है, जो कि फ्लैगशिप लेवल का है, लेकिन साइडली इसमें 90 FPS का ऑप्शन फिलहाल नहीं मिलता। जायरो वगैरह इसमें काफी अच्छा काम करता है, एकदम एक्यूरेट है, तो मैंने गेम सेट कर लिया है स्मूथ विद एक्सट्रीम FPS पर और आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स अच्छे है, मोस्टली कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप तो नहीं मिलता, बस कभी कभार दूर के ऑब्जेक्ट्स इसमें काफी बार लोड होते हुए दिखते हैं। ये आराम से 50-52 FPS मेंटेन करता है,
बट मेरे हिसाब से इतना पावरफुल चिप है तो 57-58 FPS मेंटेन करना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यहाँ ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी ज़रूरत है। तो अगर आप इसे कैजुअल गेमिंग के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो आप निराश नहीं होंगे। इसमें पबजी मैंने 20 मिनट तक खेला और बैक में फ़ोन हल्का सा ही हीट हुआ है सेंटर में और ऊपर की तरफ, बट कोई सीवियर हीटिंग इशू नहीं है इसके अल्ट्रा लार्ज वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम की वजह से। अब कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ड्यूल कैमरा सेटअप है। पहला है 50 मेगापिक्सल f1.88 अपर्चर कैमरा विद फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस एंड OIS, और दूसरा है 50 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। स्टॉक कैमरा ऐप में काफी सारे फीचर्स है जैसे कि अल्ट्रा वाइड एंगल मोड, पोर्ट्रेट विद स्टाइलिंग इफेक्ट, पोर्ट्रेट वीडियो, नाइट मोड, ड्यूल वीडियो मोड, प्रो मोड, HDR, लाइव फिल्टर्स, अल्ट्रा शेडी वीडियो, सुपर मून मोड, एस्ट्रो मोड, फूड मोड, ब्यूटी मोड और पैनोरमा। इसमें AI वीडियो एनहांसमेंट का भी फीचर है। आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 30 FPS पर और 240 FPS का स्लो मोशन भी दिया है। फ्रंट में 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और फ्रंट से भी आप 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा में आपको आई ट्रैकिंग ऑटो फोकस का फीचर मिलता है अलॉन्ग विद पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट वीडियो, नाइट मोड, लाइव फिल्टर्स, AR स्टिकर्स, स्टेडी फेस, सुपर नाइट वीडियो और ब्यूटी मोड। इसका जो ऑरा लाइट है वो आपको अंधेरे में भी पोर्ट्रेट फोटोज लेने में काफ़ी हेल्प करता है और कंडीशंस के हिसाब से आप इसका कलर टोन एडजस्ट कर सकते हैं फॉर बेस्ट आउटपुट। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। डे टाइम पिक्चर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, कलर्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है और प्रॉपर भी है इसके VCS ट्रू टोन कलर टेक्नोलॉजी की वजह से। डायनेमिक रेंज भी अच्छा रहता है और 50 मेगापिक्सल की वजह से फोटोज काफ़ी शार्प है। आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिलता है सेम जगह से ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करने के लिए और यहाँ कोई मेजर कलर शिफ्टिंग का इशू नहीं है। पोर्ट्रेट फोटोज अच्छे आते हैं, आप 1x और 2x पर पोर्ट्रेट ले सकते हैं। एज डिटेक्शन काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, डिटेल्स शार्प है और स्किन टोन्स भी प्रॉपर है। यह है इंटो लाइटिंग में पोर्ट्रेट, यहाँ भी स्किन टोन्स एक्यूरेट है एंड ओवरऑल कलर्स और एज डिटेक्शन अच्छा है। HDR शॉट्स इंप्रेसिव है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इंडो लाइटिंग कंडीशंस में फोटोज अच्छे आते हैं, इसका AI कलर मोड फोटो को ऑटोमेटिकली एनहांस करता है। लो लाइट परफॉर्मेंस इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट है, डार्क एरियाज में डिटेल्स काफी अच्छे से कैप्चर करता है और लाइट्स वगैरह को ज़्यादा ओवर एक्सपोज भी नहीं करता और लेंस फ्लेयर को भी काफी हद तक कंट्रोल कर लेता है। कलर्स भी प्रॉपर है, सेल्फीज काफी अच्छा कैप्चर कर लेता है। 50 मेगापिक्सल की वजह से डिटेल शार्प है और स्किन टोन्स भी प्रॉपर है। यह है V30 का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। इसमें कलर्स अच्छे खासे वाइब्रेंट है, कलर टोन्स प्रॉपर भी है एंड OIS दिया है और कैमरा ऐप में स्टेबलाइजेशन को स्टैंडर्ड पर रखा है, इसीलिए वीडियो अच्छा खासा स्टेबल है। HDR इसका अच्छा काम कर रहा है, बस वीडियो थोड़ा शार्प होना चाहिए था। यह सेल्फी वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर्स इसमें भी वाइब्रेंट है और प्रॉपर है, स्टेबलाइजेशन इसमें अच्छा है। सन जब ऑपोजिट में नहीं होता तब वीडियो क्वालिटी अच्छी रहती है, बट सन ऑपोजिट में आने पर स्काई ओवर एक्सपोज होता है क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा का HDR कुछ खास काम नहीं करता हार्श कंडीशंस में। यह है रात में वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर्स प्रॉपर है, वीडियो अच्छा खासा ब्राइट है और लाइट्स को भी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। वीडियो स्टेबल भी है बट शार्पनेस काफ़ी कम है। सेल्फी वीडियो रात में डिसेंट है, जब प्रॉपर लाइटिंग होती है तब तक वीडियो क्वालिटी अच्छी रहती है, बट लाइटिंग थोड़ी चेंज होने पर वीडियो डार्क हो जाता है। सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो काफ़ी फास्ट एंड सिक्योर है। आपको फेस अनलॉक भी मिलता है जो काफी फास्ट है, बट सिक्योरिटी वाइज कुछ खास नहीं है। तो अब करते हैं इसके स्पीकर का साउंड चेक। इसमें सिंगल स्पीकर दिया गया है नीचे की तरफ, तो साउंड चेक कर लेते हैं। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो सिंगल स्पीकर है और साउंड सिर्फ ठीक ठाक लाउड है, साउंड क्रिस्प एंड क्लियर है, फुल वॉल्यूम पर भी डिस्टॉर्ट नहीं होता। लेकिन इस प्राइस में स्टीरियो स्पीकर दिया होता तो आउटपुट काफी बेटर हो सकता था। Vivo V30 एक 5G फोन है और इस पर 7 5G बैंड्स दिए गए हैं जो इंडिया के बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। साथ में Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4 और ड्यूल 4G वोल्टी का भी सपोर्ट है और Wi-Fi कवरेज का रेंज इसका अच्छा है। इस पर वाइड बैंड L1 का सपोर्ट है, तो Netflix, Amazon Prime पर आप फुल HD वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं विद HDR सपोर्ट। बाकी कैमरा 2 API में लेवल 3 का सपोर्ट है, तो GCam के मोड्स इसमें कंपेटेबल है विद ऑल सेटिंग्स। तो ये था हमारा फुल एंड फाइनल रिव्यू ऑफ Vivo V30 आफ्टर 4 डेज। कैमरा और गेमिंग के लिए 33,000 में ये फोन अच्छा है, बस पबजी में 90 FPS जल्दी आ जाए और सॉफ्टवेयर में स्मूथनेस और रैम मैनेजमेंट थोड़ी इंप्रूव हो जाए तो यूज़ करने में और मज़ा आएगा। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये फोन कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोज़ के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।